टाटा के पूर्व प्रमुख साइरस मिस्त्री की एक हादसे में मौत हो गई। हादसे के वक्त वह पीछे बैठे थे। आगे की सीट पर बैठे दो लोग घायल हो गए लेकिन बच गए। पिछली सीट पर बैठे मिस्त्री समेत दो लोगों की मौत हो गई। आमतौर पर आगे बैठने वाले को जोखिम होता है और पीछे वाले सुरक्षित होते हैं। यहाँ इसका विपरीत था। अधिक सावधान रहना याद रखें। साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद पूरे भारत में लोग चिंतित थे और अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे। क्या इसका मतलब यह है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मिस्त्री जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत हो गई? यह लंबे समय से है। जब आप कार खरीदते हैं तो आगे की सीट के लिए और साथ ही पीछे की सीटों के लिए सीट बेल्ट होते हैं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? केवल आगे की सीटों पर बैठे लोग ही सीट बेल्ट पहनते हैं और सुरक्षा के लिए एयरबैग भी होते हैं। उन्हें लगता है कि पिछली सीट में इसकी ज़रूरत नहीं है। सभी नई कारों में पीछे की सीटों में सीट बेल्ट होते हैं, जिनमें उबर और ओला जैसे फ्लीट कैब वाली कारें भी शामिल हैं। आप उनका उपयोग यह सोचकर नहीं करते कि पीछे आप सुरक्षित रहेंगे। यह सत्य नहीं है। पीछे की सीट में भी यह खतरा होता है। हालांकि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ₹1,000 का जुर्माना है ना? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत सीट बेल्ट पहनना सभी यात्रियों के लिए नियम हमेशा से रहा है, लेकिन देखा गया है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ही सीट बेल्ट पहनता है और कोई नहीं पहनता है। लोग इस नियम की अनदेखी करते हैं और पुलिस भी इसे सख्ती से लागू नहीं करती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा क्योंकि मिस्त्री की मृत्यु सीट बेल्ट नहीं होने के कारण हुई थी। अगर मिस्त्री सीट बेल्ट पहने हुए होते तो उनकी जान बच सकती थी। यह नियम पूरे देश में लागू किया जाएगा। साथ ही जब फ्रंट सीट बेल्ट लॉक नहीं होता है तो अलर्ट बीप होता है। सरकार ने सभी कार निर्माताओं से सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाने को कहा है। लोग यह सोचकर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कि एयरबैग मदद करेंगे। अगर सीट बेल्ट को ठीक से लॉक किया गया है तभी कार के एयरबैग ठीक से खुलेंगे। सीट बेल्ट लॉक ना होने पर एयरबैग नहीं खुलेंगे। यह घातक हो सकता है। आप नई कारें खरीद सकते हैं लेकिन आपके पास केवल एक ही जीवन है। अंतर याद रखें, हमेशा सीट बेल्ट पहने। आपको आश्चर्य होगा कि अगर पीछे की सीटों के यात्री सीट बेल्ट नहीं पहनते तो ठीक है। नहीं, यदि पिछली सीट पर बैठे यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है तो दुर्घटना के समय पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति कभी कभी आगे वाले यात्री पर फेंका जाता है। इससे सभी यात्रियों की मौत हो सकती है। यह कैसे संभव है? क्योंकि आगे वाले तो सीट बेल्ट पहने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीछे की सीट के यात्री का भार आगे की सीट पर बैठे यात्रियों पर पड़ता है। वे सभी मर सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा करें तो क्या आप लापरवाह रहेंगे? नहीं ना, सीट बेल्ट सभी की सुरक्षा के लिए है। इस वीडियो को देखें और मैं आपको समझाऊंगा। क्या आपने वीडियो देखा और समझा? सीट बेल्ट तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब मिस्त्री की मौत के बाद वे डर और चिंतित हैं। हर साल अनगिनत दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि लोग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनने से नफरत करते हैं। ये गलत है। सीट बेल्ट पहने और सवारी का आनंद ले। हम BMW, मर्सिडीज, टोयोटा आदि जैसी महंगी कारों को खरीदने पर एक बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन फिर हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपका जीवन कार से अधिक मूल्यवान है। आपको नया जीवन नहीं मिल सकता। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट पहने। याद रखें, सभी यात्रियों को सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अगर नजरअंदाज किया गया
तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। चुनना आपको है, सावधान रहना बेहतर है।